प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो कि फिर एक बार परमेश्वर ने ये मौका दिया कि आज इस इतवार के दिन में हम ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर की आराधना कर सके। आशा करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित हैं, परमेश्वर ने आपको अपनी सुरक्षा में बांध के संभाला है। क्यों ना इस आराधना को प्रारंभ करने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय में परमेश्वर, इस YouTube के माध्यम से हमें आपकी आराधना करने का, प्रभु जी आपके वचन को सुनने का एक अवसर, प्रभु जी एक संदर्भ आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज का वचन हमारे जीवन में एक नए रास्ते को दिखाए परमेश्वर, एक नए तरीके से हम अपने प्रभु जी आपके वचनों को अपने जीवन में अपनाएं, ऐसा अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। खुदावन हम विश्वास करते हैं आज के वचनों के जरिए आप हमसे बातें करेंगे, और भले हम लोग घर पे बैठकर आपकी आराधना को कर रहे हैं परमेश्वर, लेकिन वही भक्ति वही भाव से आपकी आराधना को करेंगे, आपके भय में रहकर परमेश्वर आपके नाम को महिमा देते हुए। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी आप खुदावन आप हमारे आसपास के जगहों को, हमारे विचारों को, हमारे ध्यान को आपके पवित्र आत्मा से अभिषेकित कर दे खुदावन। आगे के सारे समय को हम सभी को आपके पवित्र आत्मा में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन आमीन। द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, यानी हमारे खुशी का स्रोत कहां से शुरू होता है, हमारी खुशी हमारा आनंद जो है, उस बात पर आज हम लोग जो है मनन करने वाले हैं। जी एफ रेन्स नाम का एक स्कॉलर था, एक लेखक था, जिन्होंने एक बिब्लिकल मैगजीन में एक लेख लिखा था, उसके आधारित के ऊपर जो है आज हम लोग जो है अपने समय को परमेश्वर के वचनों पर हम लोग मनन करने वाले हैं। वो इस रीति से जो है उन बातों को बताने की कोशिश करते हैं, उसके आधारित पर जो है हम आज अपने वचनों को जो है सीखने वाले हैं। ठीक है, आज जैसे उन्होंने कहा है और मुझे भी ऐसा लगता है, आप सभी को भी ऐसा लगता होगा कि आज के इस दौर में ऑल ऑफ अस डिजायर, यानी हम सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग क्या रहे, खुश रहें, टू हैव एज मच हैप्पीनेस एज, कितना हमारी जिंदगी में खुशी मिलता है उतना खुशी हमको मिले, इसका इच्छा या इसका कोशिश, इसका जो है हमारे अंदर से जो है वो इच्छा हम लोग जाहिर करते हैं। लेकिन बहुत ही कुछ लोग हैं, वेरी फ्यू पीपल, यानी बहुत ही कम लोग हैं जो इसके स्रोत को जानते हैं या जो खुश
रहते हैं या जो खुशी को अपने जीवन में सच में अपनाया है, बहुत ही ऐसे कम लोग हैं। Why there are so many people unhappy? क्यों आज बहुत सारे लोग नाखुश है? बहुत कुछ है उनके पास, सब कुछ ऑलमोस्ट जो इस संसार में चाहिए, फिर भी वो लोग बोलते ना, वो संतुष्टि या वो खुशी जो सच्ची खुशी है वो उनके जीवन में नहीं है। क्यों आज जो है हर एक लोग उस खुशी के तलाश में है और नहीं मिल पा रहा है सब कुछ होने के बावजूद, ये हम लोग जो है आज कुछ समय में जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों में अपनी खुशी को ढूंढ रहे हैं या देखना चाहते हैं। वन ऑफ द थिंग इज प्लेजर, जिसमें कहा वन ऑफ द थिंग इज प्लेजर। प्लेजर यानी क्या? वो बोलते ना एक संतुष्टि, एक सुख, या हम लोग बोल सकते हैं ऐसा करना जिसमें हम लोग को बहुत मजा आता है। हम में से हर एक लोग अलग अलग चीजें करने में जो है रुचि रखते हैं और उसमें बहुत मजा आता है हमको। कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं, कुछ परमेश्वर के पास लेकर जाती है, कुछ परमेश्वर से दूर लेकर जाती है विशेष करके, लेकिन वो चीजों में ज्यादा मजा आता है जो परमेश्वर से दूर लेकर जाती है। ये मैं और आप तो बहुत अच्छे रीति से अभी तक मसीही जीवन में तो ये हम लोग सीख गए होंगे। प्लेजर यानी कि मजा आना, वो कार्य करना जो है कभी भी उससे जो है हमें सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। क्यों? एक प्रोफेसर है डॉक्टर विक्टर ई फ्रैंकल, जो ऑस्ट्रियन मेडिकल सोसाइटी जो साइकोथेरापी एंड प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री एंड न्यूरोलॉजी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, यानी ऑस्ट्रिया में एक ये प्रोफेसर है जिन्होंने एक कहावत लिखा है जो साइकोथेरापी या साइकेट्री में अपने पढ़ाई को इन्होंने करके जो है महारत हासिल किया है। उन्होंने वो एक लाइन को कहते हैं, वो इंग्लिश में इस रीति से है, व्हेन वी सेट अप प्लेजर एज द होल मीनिंग ऑफ लाइफ वी इंश्योर दैट इन द फाइनल एनालिसिस लाइफ शैल इनएविटेबली सीम मीनिंगलेस। इसको मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे लोग जो है अपने मजे में या जिस चीज को करने में मजा आता है तो उसमें अपनी खुशी को ढूंढते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इसमें ही सच्ची खुशी है, तो करते रहना है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। और जो लोग इस, मैं कहूंगा कि वासना भी हम लोग कह सकते हैं प्लेजर को, कि उसमें बहुत मजा आता है, वो हम लोग करते रहते हैं उस चीज को जो है अपने जीवन में, उन्होंने प्राथमिकता दे रखा है कि इसके ऊपर कुछ नहीं, ये तो मुझे करना ही है, ये तो मुझे बोलते ना कुछ भी हो जाए ये मैं करूंगा ही, क्योंकि ये मुझे खुशी देती है, ऐसा हमको लगता है। प्लेजर यानी कि जो सुख देती है ऐसा हमको लगता है। वो प्रोफेसर इस रीति से कहते हैं कि जिन्होंने ऐसी खुशी को ढूंढना चाहा है या प्लेजर में अपनी खुशी को देखा है, अपनी जिंदगी को प्राथमिकता दिया है, वो अंत में जाकर ऐसा जरूर करते हैं, करेंगे और बहुत लोग कर चुके हैं कि मेरा जीवन जिसको मैं प्लेजर को मैंने प्राथमिकता दिया, दैट इज अ मीनिंगलेस, यानी वो मेरा पूरा जीवन व्यर्थ हो चुका है, क्योंकि असली खुशी मुझे प्लेजर में या उस मजे में मुझे नहीं मिला है। ये वो स्कॉलर कहते हैं और ये सच है हमारे जीवन में भी। हम लोग भी बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग कार्यों में बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन चीजों में शायद जो है आप अंत में जाकर एहसास करेंगे, शायद बहुत लोग अभी एहसास कर रहे हैं मैं ये सब आदतों को कर रहा हूं लेकिन फिर भी मेरे जीवन में वो खुशी नहीं है, अभी भी अधूरापन है। तो प्लेजर इज नॉट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। वो मजा आपके जीवन में जो है सच में वो सच्ची खुशी को नहीं देगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि पैसा, धन, दौलत खुशी को देता है। मनी इज नॉट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। पैसा हमारे जीवन में कभी भी खुशी का स्रोत नहीं हो सकता है। क्यों? इट इज नॉट द सोर्स। परमेश्वर का वचन इस रीति से लिखता है, एक्लिसियस चैप्टर 5 वर्स 10, सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय 10वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। क्लियर रीति से परमेश्वर का वचन कहता है जो पैसे, धन, दौलत, सोना, चांदी से प्यार रखते हैं वो भी कभी भी खुश नहीं होंगे। जो फायदे से जो है सोचते हैं कि मुझे खुशी मिलेगी, नहीं, वो भी व्यर्थ होने वाला है। द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कैन नेवर बी अ मनी। पैसा आपको कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता है।
ये हमको समझने की जरूरत है। अगर ऐसा होता तो सारे अमीर लोग बहुत खुश होते, कोई अधूरापन अमीर लोगों के जीवन में नहीं होता। दिस इज द ट्रूथ। बहुत सारे ज्ञानी लोगों ने इसको माना है। हमारे सोलोमन महाराज जो बाइबल के सबसे ज्ञानी, उन्होंने इस वचन में जो है कहने की वो कोशिश कर रहा है कि पैसा जो है हमारे जीवन में, धन दौलत लाभ जो है हमारे जीवन में, वो खुशी नहीं देगा, वो व्यर्थ हो जाएगा जो उसके ऊपर जो है अपनी खुशी को आधारित करता है। तो क्या है उस खुशी का स्रोत, यानी व्हाट इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस? तो उस खुशी का सच्चा स्रोत क्या है? वो और कुछ नहीं है, द रियल सोर्स इज पीस ऑफ माइंड, यानी कि हमारे बोलते ना मन की शांति जो है हमें खुशी का एहसास देती है। मन की शांति, पीस ऑफ माइंड, एंड द सोर्स ऑफ पीस, और शांति का जो केंद्र है या उसका जो स्रोत है वो क्या है? दैट इज अ क्लीन कॉन्शियंस, यानी पवित्र साफ सुथरा विवेक। कॉन्शियंस को अगर हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, अंतकरण, जो हम अंदर से क्लीन साफ सुथरा महसूस करते हैं, कि कुछ भी गलत जो है अंदर से महसूस नहीं करते, दैट इज द क्लीन कॉन्शियंस। वो पवित्र एक विवेक है, या वो पवित्र जो है एक अंतकरण है, जिसके जरिए हम मन की शांति को पा सकते हैं, और जिसके जरिए जो है हम उस सच्ची खुशी को हम पा सकते हैं। देन व्हाट इज द सोर्स? दैट इज अ पीस ऑफ माइंड, एंड द सोर्स ऑफ द पीस ऑफ माइंड इज व्हाट? द क्लीन कॉन्शियंस। लेकिन क्लीन कॉन्शियंस कैसा आएगा? इट इज रिजल्ट ऑफ ओबीडियंस। वो उसके ऊपर आधारित है, किसके ऊपर? कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को किस अधिक रीति से पालन करते हैं। इट इज द रिजल्ट ऑफ द ओबीडियंस ऑफ द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर की आज्ञाओं को किस तरीके से हम आदर सम्मान देते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है कि मेरा जो विवेक है, अंतकरण है, वो पवित्र है, और इसके जरिए जो है मेरा जो विचार है, पीस ऑफ माइंड, मेरा मन बहुत शांत है, और जिसके जरिए मैं एक सच्ची खुशी का, द ट्रू हैप्पीनेस, यू विल रियलाइज द ट्रू हैप्पीनेस, वो सच्ची खुशी को मैं एहसास कर सकता हूं और जरूर करूंगा। अगर ऐशाया की किताब हम लोग पढ़ते हैं, ऐशाया चैप्टर 32:17, मैं आपके लिए जो है पढ़ने की कोशिश करता हूं, आप लोग सभी यहां पर ध्यान देंगे। यशा का किताब उसका 32वां अध्याय उसका 17वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। और धर्म का फल शांति, और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। जी क्या है? धर्म का फल शांति, और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। धर्म का फल यानी कि राइचियसनेस, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के बोलते ना आज्ञाओं का अनुसरण करने से मिलता है, उसके ही जरिए हमारे जीवन में वो निश्चिंतता आने वाली है, जिसके जरिए हम लोग जो है अपने आप को खुशी में देखेंगे, एंड वी विल गेट दैट द रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन इससे विपरीत जो है ऐशाया कहता है अपने 57:20-21 ऐशाया चैप्टर 57:20-21, इस रीति से परमेश्वर का वचन हमें बताता है। परंतु जैसे मैंने कहा, धर्म का फल, जो धर्मी लोग हैं वो निश्चिंत रहेंगे, वो खुश रहेंगे, लेकिन इसके विपरीत यहां पर वचन बताता है 20:21 में, परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। जी हां, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। आज परमेश्वर हमें एक कॉलिंग देना चाहता है, बुलाहट देना चाहता है। अगर आप सच में उस खुशी की तलाश कर रहे हैं और आप पाना चाहते हैं, तो आप दुष्ट ना बने, क्योंकि दुष्टों के लिए शांति नहीं है। यह परमेश्वर का वचन है, यहां पर सरल रीति से लिखा है। उसके जीवन में मैल जो है उछलता रहने वाला है, ऐसा परमेश्वर का वचन। लेकिन जो धर्म का फल पाता है, उसको फल दिखाता है, जो धार्मिक रहता है, परमेश्वर की आज्ञा का अनुसरण करता है, वो अपने जीवन में जो है उस शांति को, उस निश्चिंतता को वो देखने वाला है। हम लोग अंत में एक
वचन को पढ़ के जो है हम लोग समाप्त करेंगे, विच इज वेरी प्रैक्टिकल, जो बहुत ही प्रैक्टिकल रीति से जो है हमें दर्शाने की कोशिश करेगा कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। जैसे हम तलाश में कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का स्रोत मेरे जीवन में क्या है। मैंने कहा कि दैट इज अ पीस ऑफ माइंड, हमारे मन का सुख, दिमाग में सुख होना, विचारों का जो है, बोलते ना दिमाग अगर शांत रहे तो ही हम अपने जीवन में खुशी का एहसास कर सकते हैं। और दिमाग को शांत करने के लिए क्या करना होगा, मेरा अंतकरण शुद्ध करना होगा। वी शुड हैव अ क्लीन कॉन्शियंस, और क्लीन कॉन्शियंस के लिए जो है इट इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ ओबीडियंस, यानी वो जो है किस तरीके से मिलेगा, जब परमेश्वर की आज्ञा का हम सही रीति से अनुसरण करते हैं। क्या क्या परमेश्वर की आज्ञा है, उसके कुछ बातों को जो है आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ बातों को हम अगले रविवार को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अगले रविवार भी इस वचन पर जुड़े रहना, लेकिन आज जो टॉपिक पर है हम लोग, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, किस तरीके से हम लोग उस खुशी को जो है बोलते ना पा सकते हैं, हम लोग आखिरी में इस वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस तीसरा अध्याय 10 से लेके 12 वचन, बहुत सरलता से परमेश्वर आपको ये बात बताता है। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्सेस फ्रॉम 10 to 12 इस रीति से वचन लिखता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, अच्छे दिन यानी खुशी के दिन, संतुष्टि का दिन, द डे ऑफ हैप्पीनेस, वह अपनी जीभ को बुराई से, वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। देखिए, अपने जीभ को बुराई और होठों को छल की बातों करने से वो रोकना जरूरी है, वो रोके रहे। अगर आप अपने जीवन में जो है वो जिंदगी को देखना चाहते हैं, वो अच्छे दिन को देखना चाहते हैं, वो खुशी को देखना चाहते हैं, आज पूरा दुनिया या पूरा जो है हमारा देश अच्छे दिन की तलाश में, लेकिन आपको परमेश्वर अच्छे दिन परमेश्वर के वचन में दे के रखा है। भले दुनिया के लिए अच्छे दिन नहीं आए होंगे, लेकिन आपके लिए वो अच्छा दिन आ सकता है। यहां पर वचन कहता है, अच्छे दिन देखना चाहते हो तो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से जो है दूर रखे, उसको करने से रोके। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, वो बुराई को जो है छोड़ दे और सिर्फ भलाई करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, मेल मिलाप यानी फेलोशिप, अच्छाई, अपनापन को वो ढूंढे और उसके यत्न में रहे, यानी उसको करने की वो कोशिश करता रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसकी आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। ऐसे धर्मियों के जो है प्रार्थना को सुनता है, उनकी ओर अपनी नजर को रखता है, लेकिन इसके विपरीत जो बुराई करता है उसके विमुख यानी उसके ऑपोजिट परमेश्वर, उससे मुंह फेर लेता है परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो व्हाट आर द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड, अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको सच में खुशी अपनी जिंदगी में तलाश करना है, पैसा या जिसमें मजा आता है वो चीज करके आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। आपकी खुशी जो है आपके मन को जब शांति मिलेगी तब आपको खुशी मिलेगी, और मन को शांति मिलने के लिए जो है हमें अंदर से अंतकरण से प्योर, क्लीन, साफ होना जरूरी है, पवित्र होना जरूरी है। और पवित्र होने के लिए जो है हमें परमेश्वर की बातों का अनुसरण करना जरूरी है। इट इज द रिजल्ट ऑफ ओबीडियंस, क्लीन कॉन्शियंस। अगर अंदर से अच्छा होना है तो कोई साबुन या कोई भी बोलते हैं ना डिटर्जेंट आपको साफ नहीं कर सकता, लेकिन सब साबुनों में से सबसे अच्छा साबुन जो अंदर से भी साफ करता है वो हमारे परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर का वचन है। आज प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखेंगे, परमेश्वर का वचन जैसे कहता है जिसमें मजा है उसमें खुशी नहीं है, जिसमें पैसा धन दौलत में अपनी खुशी को देखते उसमें असली में खुशी नहीं है। आज हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को देना है उसको भी हम लोग बचा के रख रहे हैं, जो परमेश्वर से वादा किया है कि हम लोग प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, ये ऑफरिंग को हम लोग देंगे, इस तरीके से अपने जीवन को हम लोग निभाएंगे, वादा करके जो है हमने छोड़ दिया है। आज परमेश्वर याद दिलाता है कि ये मेरी आज्ञा है कि आपकी आराधना करो, आप मेरे लिए भेंट दो,
आप मेरे लिए जो है उस मेरी बातों को मानो और आज्ञाकारी बनो, और जब ऐसा करते तो मैं आपको अंदर से शुद्ध करूंगा। और अंदर से शुद्ध का मतलब है आपके, बोलते ना, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति होगी, और जिसके जरिए जो पूरे लोग नहीं ढूंढ पाए हैं, जो संसार के कोई भी कई लोग, बड़े बड़े लोग जो है उस सच्ची खुशी को नहीं ढूंढ पाए, वो सच्ची खुशी को आप ढूंढ लेंगे। जो अच्छे दिन लोग अभी भी तलाश में हैं, वो अच्छे दिन आपके लिए परमेश्वर का वचन बहुत सरलता से कहता है, क्या कि अपनी ओर से जो परमेश्वर की बातों में लिखा है उन चीजों को करो, और अपनी जीभ को जो है और अपनी होठों को जो है उस बुराई की बातों से, छल की बातों से जो है, बोलते ना, उसको खरने ना दे। अगर करेंगे तो बुराई में गिनती होगा, अगर नहीं करेंगे तो अच्छाई में गिनती होगा। और अच्छे लोगों के ऊपर परमेश्वर का, हो सकता है आप जो है परेशान है, आप जो है दुख में है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का नजर आपके ऊपर है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अभी भी सुन रहा है, और एक दिन उत्तर परमेश्वर देगा। लेकिन अगर आप अच्छे हैं, धर्मी हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो ही, क्योंकि विकेट यानी बुराई करने वालों से परमेश्वर विमुख है, यानी परमेश्वर जो है अपने चेहरे को दूर करता है। तो दिस इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ये हमारे सच्ची खुशी का जो है स्रोत है, जो हमको जानने की जरूरत है। परमेश्वर अगर आपके जीवन में बातों को किया है, इन वचनों से परमेश्वर के सामने घुटने टेकिएगा और सच में प्रार्थना कीजिएगा, मेरी हर एक बुराई को माफ कर परमेश्वर, गलतियों को क्षमा कर, और सच में मेरे अंदर जो एक नाखुशी, एक नासंतुष्टि बसी हुई है परमेश्वर, उसको निकाल कर आपकी सच्ची खुशी दे परमेश्वर, मुझे अंदर से साफ कर पिता परमेश्वर, मैं आपकी आज्ञा को मानूं प्रभु जी, जिसके जरिए मैं अंदर से साफ हो सकूं, जिसके जरिए मेरे मन का सुख मैं पा सकूं, और जिसके जरिए मैं सच्ची खुशी को पा सकूं। ये प्रार्थना आप जब करेंगे, सच में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मे गॉड ब्लेस यू। हर सांस तेरी।
हम सभी लोग जो है अंतिम प्रार्थना करेंगे। अगर इस हफ्ते कोई अपना जन्मदिन या वेडिंग एनिवर्सरी को मना रहे हैं तो अपने स्थानों पर आप खड़े रहें ताकि हम आपके लिए जो है विशेष रीति से हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम अपने सरों को झुकाए हम प्रार्थना को करें। आकाश पृथ्वी और सारे जीव को बनाने वाले महान 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, महान परमेश्वर, इस समय में हम प्रार्थना करते हैं जो वचनों के साथ आपने हमें बताया है खुदावन परमेश्वर की सच्ची खुशी का स्रोत जो है परमेश्वर केवल आपके वचनों में है परमेश्वर। हमारे मन का सुख आपके वचनों में है खुदावन, हमारी पवित्रता आपके वचनों में है पिता परमेश्वर। किस कदर आपके वचनों पर हम चलते हैं उतना खुश हम रह सकते हैं प्रभु जी। आज इस वचन से आपने सिखाया हमारी जुबान को, हमारे होठों को प्रभु जी छल की बातों से, बुराई की बातों से प्रभु जी दूर रखने में हमारी सहायता को कर। हम प्रभु जी ये निर्णय ले और सच में प्रभु जी आपकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जिए परमेश्वर, और हमारे जीवन में वो सच्ची खुशी को जो इस दुनिया में बहुत ही कम लोग पा रहे हैं प्रभु जी और बहुत लोग तलाश में हैं, हम लोग वो पा सके, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावर। इस हफ्ते जो अपने जन्मदिन को, वेडिंग एनिवर्सरी को मना रहे खुदावर, उनके जीवन में आपके नए आशीर्वाद के लिए मांगते हैं। नया साल उनके जीवन में नई खुशी को, नए आनंदों को प्रभु जी जोड़ने वाला साल हो सके, ऐसा आपका अनुग्रह, आपका आशीर्वाद आप करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस ऑफरिंग के लिए जो दान परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से हम अपने अपने घरों पर एकत्रित किए, खुदावन इस दान के ऊपर आशीष कर और इसका 30 गुना 60 गुना 100 गुना बढ़ोतरी देकर केवल आपकी महिमा, आपके राज्य के लिए प्रभु जी उपयोगी कर। हमारे कलीसिया के सारे बुजुर्ग, सारे जवान, सारे बच्चों के लिए प्रभु जी, WSS मेथोडिस्ट मैन, संडे स्कूल यूथ के लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन। आप प्रभु जी हम सभी को आपकी सुरक्षा कवच में आप बांधना परमेश्वर। हमारे पनवेल की कलीसिया प्रभु जी, यूपी की कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपके अनुग्रह में चलाते हुए और ज्यादा बढ़ोतरी प्रभु जी आपके राज्य में होने वाला उपाय, ऐसा अनुग्रह कर खुदावन परमेश्वर। हर एक बातों में आपके नाम को धन्यवाद करते हैं खुदावन। सारा आदर जलाल महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमेन। प्रभु की प्रार्थना हम लोग कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमेन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेके अनंत काल तक हम सदा विश्वासियों के साथ सदा सदैव बनी रहे, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।